गगन मेरी बात सुन। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ हो रही है। तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन। और आज संडे, खड़ा हूँ अभी बलदेव नगर, तो ये कुछ लाइनअप है। और वैसे 7:15 का टाइम था, तो अभी टाइम हो रहे हैं ऑलमोस्ट 7:43। तो अभी तक हम यहीं पे खड़े हैं, यहाँ से निकले नहीं अपनी स्कूबी एरिया एंड कुछ लाइनअप यहाँ पे ये है। सीन्स यहाँ के कुछ ऐसे कि हम लोग जा रहे हैं रोपड़। तो इशू ये आ रहा था यार मेरे गोप्रो में कि ना एक्चुअली ये गोप्रो मेरा भी नहीं है। एज यू नो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये गोप्रो है क्षितिज भैया का। एंड ये गोप्रो बोल रहा था कि मेरे को फॉर्मेट करना है, इसमें क्षितिज का ना डाटा पड़ा हुआ था, तो इसीलिए क्षितिज का मैंने डाटा फिर अपने फोन में ट्रांसफर करा। बड़ी मुश्किल से यार हुआ है। तो गाइस सीन ये था ना कि मेरा गोप्रो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था 10 सेकंड से ऊपर। क्या कह रहे हो? फोटोज ले ली? नहीं लेंगे अभी। तो गोप्रो मेरा 10 सेकंड से ऊपर नहीं कर रहा था, मैंने अपने मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करा, देन मैं अब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैं घर से नहीं करके आया था, बिकॉज मेरे पास सिमरन भैया का, जिनसे मैं कल हेलमेट लेके आया था, उनका हेलमेट मेरे हाथ के ऊपर था। वहाँ से निकलते हैं, बाकी बातें करते हैं बाइक के ऊपर चलते हुए। रेड हॉर्स राइडर इनका भी यूट्यूब चैनल जाके सब्सक्राइब करो। गाइस हम लोग निकल चुके हैं जंडरी से। आई थिंक सो कि हम, मेरे को रूट नहीं पता कि हम कौन सा रूट ले रहे हैं, बट आई नो वेयर आई एम गोइंग। लोकेशन मेरे को मालूम है हम कौन सी लोकेशन पे जा रहे हैं। वो है रोपड़ किक्कर लॉज, जो यहाँ से 120 किलोमीटर है। एंड अप एंड डाउन हमारा हो जाएगा वो 240 के अराउंड। तो आप 240 से एक्स्ट्रा भी हो सकता है, वैसे अप एंड डाउन 240 लिखा, बट मैं 250 मान के चल रहा हूँ कि 250 है। वैसे मैंने राइडिंग बहुत टाइम से नहीं की थी, एज यू नो। रोपड़ के बारे में मैंने आपको बताई दिया, किक्कर लॉज में जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम। रोपड़ में बचपन में गया हूँ, उसके बाद मैं नहीं गया। मेरे को 7-8 साल हो गए रोपड़ गए हुए, उसके बाद मैं अब जा रहा हूँ रोपड़, वो भी अपनी स्कूबी लेके। तो गाइस अभी ये है पंजाब हाईवे, अंबाला वाला जो हाईवे जा रहा है राजपुरा अमृतसर वगैरह की साइड, तो हम उस हाईवे के ऊपर हैं अभी। जो हमारा रोड का रास्ता है वो रास्ते में बताऊंगा मैं कैसा है, लेकिन जो 240 किलोमीटर है, काफ़ी लंबा रास्ता तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि मैंने एक दिन में 1100 से 1100 किलोमीटर मैंने राइड करी है बाइक। तो मेरे लिए तो लंबा नहीं है ज़्यादा, ना छोटा है, बट स्टिल वीडियो लंबी होने वाली है। दो पार्ट बनेंगे इस वीडियो के, एक आने का एक जाने का। तो वीडियो को एंजॉय करते रहो यार। जिसने अभी तक लाइक नहीं करा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, जल्दी से रेड बटन को ग्रे कर दो। तो अभी ये सामने आया है कौन सा बोलते हैं इसे, टोल बन्नूड ऐसी करके कुछ है, मेरे को ध्यान नहीं है। तो ये पंजाब यहाँ से इस टोल के बाद से शुरू हो जाता है। तो अभी थोड़े दिन पहले ये बॉर्डर भी बंद था। आप लोगों को जैसा पता है कि इंडिया के क्या हालात है, किसान रैली वगैरह करके एंड कोरोना वगैरह करके। तो गाइस जस्टिन यूट्यूबर आपके साथ रिपोर्ट देते हुए अभी की अभी क्या सिचुएशन है। अभी हमारी स्पीड चल रही है 80 एंड टाइम हो रहा है 8:08। जो रोड है वो है वन वे, जो अंबाला या पंजाब के पास के होंगे लोग तो उन्हें पता होगा ये रोड कौन सी है। ये रोड है जो सीजी से लांडरा जाती है। तो इस रोड से मैं एक बार गया था सीजी से लांडरा कॉलेज। आप लोग मेरे को ये बताना कि आप लोगों को मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि मैंने जो माइक एंगल है ना वो कल चेंज किया था। और जो मेरा माइक पहले मैं लगाता था, वो लगाता था मैं अपने चिक पैड के अंदर। तो मैंने क्या करा, जो मेरा माइक है वो मैंने रखा है माउथ के आगे, बट एकदम फ्रंट ऑफ आगे नहीं रखा, हल्का सा लेफ्ट में रखा है, जिससे आप लोगों को मेरी सांस की आवाज़ ना आए। आई होप कि यार आप लोगों को एयर नॉइस भी नहीं आ रही होगी अभी जो नॉइस आती है। तो प्लीज़ मेरे को मेन डर तो उसी का यार कि वो भी ना आ रही हो। और भाई जो बाइक बैक फायर्स मार रही है ना भाई, जो पटाखे मार रहे हैं भाई, एक नंबर। अभी मेरा ना गोप्रो नहीं ऑन हो रहा, भैंस किया कि मैं डर गया। तो बाद में मेरे को पता लगा यार, जो मैंने सुना है ना गोप्रो हैंग हो जाता है या फ्रीज हो जाता है, आई थिंक ये वो चीज़ हुई थी। तो मेरे को बैटरी दोबारा निकाल के रुक के इंस्टॉल करनी पड़ी, एंड मैं सबसे पीछे हूँ। एंड मेरे साथ अभी हनीश भैया एंड प्रीत भैया जो ग्रुप के लीडर हैं, तो ये साथ चल रहे थे। इन्हें लगा कोई प्रॉब्लम होगी, मैंने कहा नहीं आप जाओ। तो ये है गोलू का कॉलेज सीजीसी लांडरा। तो भाई गोलू देख लिया अपना कॉलेज कैसा दिख रहा है 1 साल या 6-7 महीने 8 महीने बाद तेरा कॉलेज। और अभी तो मेरे को ग्रुप वालों को चेस करना है, बहुत ज्यादा पीछे हूँ उनसे, बहुत ही ज्यादा। तो बहुत ही ज्यादा मजा आया यार इस ब्रिज के नीचे ना, जो बाइक की साउंड जो सराउंड हुई है ना, जो गूंजी है भाई। सपोर्ट फार्मर्स रोपड़ 27। तो हमने रूपनगर से 20 किलोमीटर आई थिंक आगे जाना है। एंड ये अपना बाइक्स का गैंग खड़ा है यहाँ पे,
जैसे कि पता नहीं क्या ही हो गया बाबा। ये हमारी वीडियो के सेलिब्रिटी पर्सन है, लास्ट वीडियो में मतलब लास्ट क्या जब हमने लास्ट राइड की थी साथ में, जय भोलेनाथ जय। तो गाइस मेरे ना बालों को इग्नोर कर देना ठीक है, हेलमेट में ना बाल सारे खराब हो जाते हैं। हमारे साथ आलू समोसा, ठीक है किसी ने खाना ना आलू समोसा खा लेना, नाम ही नहीं पहचाना पहली बार जब। तो भाई एंड अपना सीन कुछ ऐसे है, हमारी बाइक है सेलिब्रिटी, तो फोटोज ली जा रही है कुछ इसके साथ। ये हमारे जो कंटेस्ट विनर हुआ था ना, फोटो कंटेस्ट के विनर मानी भैया जो फर्स्ट आए हैं, थैंक यू सो मच। उल्टा हाथ है तो इसी से कर लो भी। तो सब निकल रहे हैं लाइन अप, सब की तरफ से हेलो। तो भाई एंड अभी हम हाईवे पे खड़े हैं और बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। लाइक मैं बहुत रॉन्ग गलत व्लॉगिंग कर रहा हूँ एंड हमारे गब्बर भाई साहब गब्बर हाँ जी भाजी ओके ठीक है, ऑलमोस्ट सारे आगे और निकलने की तैयारी हो रही है और मेरे को कैमरा अंदर रखना है। तो कैमरा अंदर रखते हैं, बाइक पे बैठते हैं, निकलते हैं जल्दी से और अपनी डेस्टिनेशन कवर करते हैं, क्योंकि 70 किलोमीटर अभी भी बचे हुए हैं तो वो भी जल्दी से कम्प्लीट करने हैं हमें। बस बाकी सब बढ़िया है। भाई मजा आ गया जो ये स्ट्रेच किया ना मैंने, सीरियसली यार मजा आ गया भाई। जो इतनी देर बाद बाइक भगाने को मिली ना, थोड़ा सा स्ट्रेच हमने किया है, बहुत मजा आया। एंड अभी यहाँ से जहाँ लोकेशन पे हमने जाना है वहाँ पे 90 किलोमीटर बचे हैं अभी, तो 90 किलोमीटर हमें और राइड करनी है। मैंने अपना बैग विवेक भैया की गाड़ी में रख दिया है, मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया हूँ और ज्यादा, बिकॉज बिना बैग के और मेरे को ऐसे लग रहा है मेरी पीठ पे कुछ है, मेरी पीठ पे कुछ है क्योंकि बैग की आदत हो गई थी ना इसीलिए। एंड ये मेरे को रोड तो नहीं मालूम कौन सा है कौन सा नहीं है, बट स्टिल हाईवे ये अच्छा है, बिकॉज बहुत देर से हम सिंगल वे में राइड कर रहे थे लाइक, तो बहुत ना पक गए थे यार। तो थोड़ा सा हाईवे मिला है जिसमें हम भगा सकते हैं और अभी मेरी बाइक चल रही है 122-125 की स्पीड में, मैं चला रहा हूँ इसे बिकॉज हाईवे है तो खाली है, थोड़ा सा पेल रहे हैं यार, इसका अपना ही फन है यार। एंड आई होप कि यार आपको विंड ब्लास्ट ना आ रहा हो इस टाइम, अगर आ भी रहा होगा तो यार मैं कुछ कर नहीं सकता। इसका स्पीड भी देखो अच्छा, मेरी बाइक 820 किलोमीटर अभी तक मैं चला चुका हूँ, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ था जब मैं बाइक लेके आया था तब से मैं इसको 820 किलोमीटर चला चुका हूँ, रन कर लिया मैंने इसके ऊपर। अभी तक चल रहा है आई थिंक 1-2 महीने हो चुके हैं बाइक को, 3 महीने आए हुए जहाँ तक मेरे को पता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। और जिन लोगों को नहीं पता कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था, आई कार्ड में आ रहा होगा, जाके देख लेना वीडियो को। भाई 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 ये रहा नंगल डैम। ओके तो भाई ये लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम देखा डैम, भाई क्या ब्यूटीफुल है यार, क्या ब्यूटीफुल है ना मेरे राइट साइड में भाई, एक नंबर यार। मैंने नंगल डैम फर्स्ट टाइम देखा है, पहली बार लाइक वीडियोस में बहुत बार देखा है मैंने, बट वीडियोस में सच बता रहा हूँ इतना प्यारा इतना खूबसूरत व्यू नहीं दिखता, और मैं आई एम डैम श्योर कि अभी भी नहीं कैप्चर हो रहा होगा जो इतना मैं रियलिटी में देख पा रहा हूँ भाई, एक नंबर यार सीरियसली। तो हुआ क्या कि हम हल्का सा आगे आ गए हैं, तब हमें यू टर्न लेना है, यहाँ से राइट लेना है चंडीगढ़, यहाँ से 66 एंड रोपड़ 22। तो भाई ये किक्कर लॉज की स्टार्टिंग एंट्री गेट है एंड ये हमें गूगल मैप के थ्रू लेके रास्ता आया है। अगर आप लोगों को पता है ये रास्ता वगैरह किक्कर लॉज कहाँ है तो आप लोग इजीली आ सकते हो, बट मेरे जैसा पहली बार जो बंदा आएगा ना फर्स्ट टाइम तो उसके गूगल मैप की ज़रूरत पड़ेगी। ये वो जय भोलेनाथ जिन्होंने वीडियो देखी होगी देख लेना, उनमें इनका मजाक उड़ाया था जय भोलेनाथ।
तो आप लोगों को गूगल मैप के थ्रू आना पड़ेगा, बाकी यार बहुत बड़ा है आई थिंक ये, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो बस फाइनली आफ्टर लॉन्ग राइड 140 किलोमीटर तक हमें जाके अब खाने को मिला सुबह के 12:32 और मैं खा रहा हूँ भटूरे एंड आलू एंड एग एंड ये दो, मेरे को चीजें नहीं पता क्या है, तो खाते हैं जल्दी से फटाफट, बहुत भूख लगी है, उसके बाद बात करते हैं। तो गैस हम लोग आ चुके हैं बाहर प्रॉपर्टी से जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था, तो ब्रेकफास्ट पीछे है एंड जो प्रॉपर्टी है ना भाई बहुत ब्यूटीफुल है, सीरियसली बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह है, आ जाओ भाई आलू समोसा। हेलो, तो यहाँ से थोड़ा आगे चलते बिकॉज यहाँ गाने चल रहे, कॉपीराइट आ जाएगा। एंड ये जो मैंने टी शर्ट पहनी है ना 2 साल बाद निकाली है और मैंने अब पहनी और फिर बिना तुम्हारे भाई को पूरी फिटिंग की आ रही है, ठीक है। लास्ट जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था जब प्रिंट करवाई थी उसके बाद मैंने अब निकाली है, सिर्फ 1 टाइम पहनी थी जब मैं लास्ट पूरा राजस्थान ट्रिप किया था मैंने बाइक पे सोलो तब निकाली थी भाई, उस वक्त आज निकाल रहा हूँ, 2 साल हो चुका है बट फिर भी। एंड जो प्रॉपर्टी है ना भाई बहुत अमेजिंग है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, जो गूगल मैप का है वो मैं ड्रॉप कर दूंगा, देख लेना। थोड़े से सिनेमेटिक शॉट्स एंजॉय करते हैं, फोटोज खींचते हैं इंस्टाग्राम के लिए। क्या हो रहा है ये देखो, मैं इसका नाम भूल गया, इसको क्या बोलते हैं, आई थिंक या मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा है ऐसा क्या बोलते हैं इसको। आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी क्योंकि मैंने अप डाउन की वीडियो बनानी है जिसमें मैं दोनों के अलग अलग पार्ट होंगे, अभी थोड़े से सिनेमैटिक्स में लेता हूं जिसमें मैं ऐड कर दूंगा बीच में, अभी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय, रास्ते के दूसरे शॉर्ट्स में।